तिब्बत में J-20 की तैनाती, चीन की इस हरकत का भारत के लिए क्या मायने हैं? तिब्बत ने चीन में J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। इस तैनाती को भारत के खिलाफ देखा जा रहा है। ऐसे में भारत ने भी सीमा पर भारतीय लड़ाकू विमानों को तैनात कर दूसरे काउंटर मेजर्स को बढ़ा दिया है। J-20 को चीन का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान माना जाता है। बीजिंग, चीन के पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-20 माइटी ड्रैगन को हाल में ही सैटेलाइट इमेज में तिब्बत के शिगात से एयरबेस पर खड़े हुए देखा गया है। इसके साथ ही J-10 लड़ाकू विमान की भी तैनाती की गई है। 12,408 फीट की ऊंचाई पर चीन के इन दो सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की तैनाती ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। चीन की इस तैनाती ने J-20 और भारत के राफेल लड़ाकू विमान के बीच तुलना को बढ़ावा दिया है। चीन के पास भले ही भारत की तुलना में विमानों की संख्या बहुत अधिक हो, लेकिन सिर्फ यही चीज वायु शक्ति के वास्तविक सैन्य माप को नहीं दर्शाती है। इनमें हथियारों की क्षमताएं, उनकी तैनाती, रणनीति और संचालन की अवधारणाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात पायलट की अपनी योग्यता और अनुभव मायने रखते हैं। चीनी J-20 को अमेरिकी F-22 के काउंटर के रूप में बताया जाता है, जिसमें लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हथियारों को अपने अंदर छिपाने की क्षमता है। उनकी मौजूदगी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAAF के उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, लड़ाकू अभियानों के लिए अपने उच्च ऊंचाई वाले हवाई ठिकानों का उपयोग करने की इसकी क्षमता और भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई और राफेल की अग्रिम तैनाती का मुकाबला करने के लिए इस क्षेत्र में हवाई शक्ति को पेश करने की इसकी बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। यह एक राजनीतिक संकेत भी है कि भारत के साथ सीमा विवाद अब एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि संप्रभु हवाई क्षेत्र का मुद्दा है। भविष्य में इसके ठिकानों की अधिक नियमित सक्रियता से विवादित क्षेत्रों के करीब हमारी सीमाओं पर हवाई गतिविधि में वृद्धि होगी और भारत की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए अधिक बार हवाई उल्लंघन होगा। ये भी स्पष्ट है कि सभी विमान खुले टरमैक रनवे से सटा पार्किंग बे पर पंक्तिबद्ध हैं। किसी भी विस्फोट संरक्षित एयरफील्ड बुनियादी ढांचे और बिखरे हुए कठोर विमान आश्रयों की अनुपस्थिति और छलावरण के किसी भी प्रयास के बिना टर्मेक पर और उसके आसपास विस्तारित लड़ाकू अभियानों के लिए आवश्यक सहायक जमीनी उपकरणों की स्पष्ट अनुपस्थिति अस्थायी तैनाती की उच्च संभावना को इंगित करती है। प्लेटफॉर्मों का मिश्रण और KG-500 की उपस्थिति चीनी वायुसेना के जटिल बड़े मिशनों के बढ़ते संचालन और लंबी दूरी पर हवाई शक्ति को इस्तेमाल करने की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित करती है। बीजिंग ने अपनी गतिशीलता और रसद सहायता को बनाए रखने के लिए लगातार एक मजबूत सीमा अवसंरचना का निर्माण किया है, बल अनुपात में सुधार करने के लिए अपनी सेना की तैनाती में वृद्धि की है और भारत चीन सीमा पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र के 29 सत्रों के बावजूद सैन्य उपस्थिति के साथ अपने राजनीतिक रुख को बनाए रखना जारी रखा है। विवादित क्षेत्रों में बफर जोन के निर्माण की तीखी मांगों के आगे झुकना भविष्य में हवाई बफर जोन की मांगों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। ये चीनियों को रणनीतिक रूप से क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की उपस्थिति और संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए अनुकूल है। यदि वर्तमान स्थिति का सावधानी पूर्वक समाधान नहीं किया गया तो सीमा के निकट अग्रिम हवाई पट्टियां और विवादित क्षेत्रों पर संप्रभु हवाई क्षेत्र नो फ्लाई जोन बन सकते हैं, जो खुफिया निगरानी और टोही मिशनों और लड़ाकू हवाई गश्तों के साथ साथ हवाई गतिशीलता और हवाई रसद के लिए IAF विमानों के लिए दुर्गम हो सकते हैं। फिलहाल भारतीय की चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के मुख्य बेड़े में सुखोई Su-30, MiG-29 और Mirage-2000 शामिल हैं। इन्हें 4.5 जनरेशन के राफेल के 2 स्क्वाड्रन से और अधिक ताकत दी गई है। राफेल को खास तौर पर चीन से निपटने के लिए तैनात किया गया है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सुरक्षा के लिए राफेल के 2 स्क्वाड्रन काफी नहीं है। सरकार भी भारतीय वायुसेना की घटती लड़ाकू हवाई शक्ति सूची से वाकिफ है, लेकिन भारत के महाद्वीपीय खतरे में इस रणनीतिक महत्वपूर्णता को संबोधित करने की तत्परता का अभाव गंभीर चिंता का विषय है।